तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैराथन क्लास में। एक वीडियो में पूरा का पूरा आपका लेसन सिविक्स का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद देन एंड देयर ऑब्जेक्टिव मारिए। देखिए तैयारी के बाद तैयारी, जैसे एग्जाम के पहले एक एग्जाम होता है तो तैयारी के बाद तैयारी इस वीडियो से आप कर सकते हैं अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स आए। तो बस कुछ नहीं करना है, हर वीडियो का मैराथन देख लेना है, ठीक है। मैराथन मतलब बार बार ऑब्जेक्टिव मत कीजिए, पहले उसका कंटेंट समझ लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कितना रटिएगा, एक बार कहानी समझिए और देन एंड देयर उसके बाद जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव मार लीजिए। पूरा का पूरा अच्छा से शुरू से जिस तरह पढ़ते हैं वैसे एक बार कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचिएगा सर पूरा किताब इतना समय में कैसे हम कंप्लीट करेंगे? अरे यार दो घंटा का वीडियो है, दो घंटा की वीडियो आप देख लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से आप टिक मार लीजिए क्योंकि वो भी दो घंटा का रहेगा। इस तरह से आप पर डे अगर दो दो वीडियो या एक एक वीडियो भी देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अभी जो लोड होगा ना, अभी जो डाउनलोड होगा ना, वो फॉर्मेट नहीं होगा, वो हटेगा भी नहीं। तो यहां पे देखिए बहुत शानदार कुछ यहाँ पे लिया है टॉपिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है। अभी हम लोग के भारत में लोकतंत्र भारत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों द्वारा नेता चुना जाता है। पहले क्या होता था? पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन चल रहा था। राजा कितना भी निकम्मा क्यों नहीं हो, उसका बेटा कितना भी निकम्मा क्यों नहीं हो, उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज भारत के राजा बनने के लिए लोगों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ समझिएगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता माने समझते हो, सत्ता का मतलब जो मान लीजिए चुनाव लोग लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो इलेक्शन में जितने भी नेता होते हैं तो वो हर कास्ट से आए रहते हैं, सभी कास्ट से। इसका मतलब कि सरकार अपनी पावरों को हर जाति में बांट दिए कि तुम भी आके मेरे यहाँ नेता बनो, तुम भी आके बनो, तुमको भी हम कुछ अधिकार दे रहे हैं। तुमको पता है क्यों? ताकि हर क्षेत्र में जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के आए और सरकार के पास पहुंचाएं, इसी के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। ताकि एक जात दूसरे जात पर कभी भी दबाव नहीं बनाए कि हमारे बाबूजी विधायक हैं। अरे हर जात में विधायक रहेगा, हर जात में मंत्री रहेगा, ठीक है। इसी के लिए अपने ताकतों को, अपने सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है। यहां समझिएगा सत्ता की साझेदारी किसी देश के शासन व्यवस्था, जो भी शासन करने वाले जितनी भी ताकतें हैं उसको समाज में प्रत्येक समूह में, समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय में भागीदारी हो जाता है। समाज के हर समूह में, हर जात में सत्ता को बांट देना, ताकत को बांट देना, हर क्षेत्र से मंत्री विधायक सब लोग रहेगा ताकि हर क्षेत्र के समस्या का समाधान होगा, इसी को कहते हैं सत्ता का साझेदारी हो गया। सब पूरे देश में बंटवारा, सत्ता का बंटवारा हो गया भाई, अब किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ कोई जात बड़ा नहीं, कोई जात छोटा नहीं। सत्ता का हमेशा विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण माने एक आदमी के हाथ में ताकत रहता है, लेकिन पता है लोकतंत्र में, किसमें, यहां लिख लीजिएगा लोकतंत्र में, अभी लोकतंत्र हम लोग जो है लोगों के राज में जो भी सत्ता होता है एक आदमी से नहीं चलता है, पूरी जनता से चलता है। तो एक आदमी में रहेगा तो केंद्रीकरण, राजतंत्र केंद्रीकरण था, एक ही आदमी बीच में, एक ही आदमी मालिक थे, लेकिन आजकल लोकतंत्र विकेंद्रीकरण है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र बिंदु जनता होती है। लोकतंत्र में कौन होता है मेन? जनता। जनता जिसे चाहेगी, जनता जनार्दन, वही राजा है यहाँ का, ठीक है। अब देखिए लेकिन फिर भी यहाँ भेदभाव हो जाता है। अब वो पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में, अमेरिका में जाइएगा ना, अमेरिका में जात पात को लेकर नहीं भेदभाव है, अमेरिका में रंग भेद को, तुम काला हम गोरा, ये रंग भेद को लेकर के भेदभाव है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की झगड़ा करने का एक जड़ है भेदभाव। लेकिन भारत को देखो कितना प्यारा देश है, यहाँ हर चीज के लिए लड़ाई है। काला और गोरा में लड़ लेगा कि तुम करिया है, तुम गोर है, ठीक है। जाति के नाम पर लड़ लेगा, धर्म के नाम पर लड़ेगा, गांव गांव से लड़ लेगा, ठीक है। यहाँ हर चीज़ के लिए भेदभाव है, फिर भी यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, कितनी क्वालिटी है। और अलग जगह क्या है, हर एक ही धर्म के लोग हैं, सब चीज़ एक ही है, लेकिन काला गोरा ऊंच नीच यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन फिर भी मैनेज करके चलते हैं। तो भेदभाव के कारण है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष में लड़ लेगा कि महिलाओं को अलग बैठो, पुरुषों को अलग बैठाओ। क्षेत्र के आधार पर भारत में लड़ाई हुआ ही था, मुंबई में बिहारियों को काट दिया गया था, असम में बिहारियों को काट दिया गया था, क्योंकि बिहारी क्या करते हैं, अपने यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं, तो दूसरे के यहाँ काम करने दूसरे राज्य में जाते हैं, वो कोई इज्जत उज्जत करते हैं नहीं हम लोग का। तो क्षेत्र के, भाषा के आधार पर श्रीलंका में देख लो, बेल्जियम में देख लो, भाषा के आधार पर लड़ाई हो गया था, ठीक है। नस्ल वही, रंग भेद के आधार पर, सीमा से परे, अब देश देश में भी लड़ाई हो जाता है तो सीमा से परे हो जाएगा। क्षेत्र के आधार पर मुंबई और मैसूर में हुआ था, बिहारियों को तुम बिहार क्षेत्र का है और हम
मुंबई वाले क्षेत्र के हैं, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के हैं, और जानते हो वहाँ पे बिहारियों को बहुत पीटा गया था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर रेलवे के भर्ती में। अब मान लो रेलवे भर्ती था तो बिहार, अब यहाँ अपने यहाँ तो नौकरी भी जल्दी नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे यहाँ भरते हैं फॉर्म, और वहाँ पर हम लोग को कोई इज्जत मिलता ही नहीं है, दर दर ठोकर खाना पड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेलवे भर्ती कहाँ पर, तो मुंगेर और मैसूर वाला इलाका में। अब देखिए असम में बिहारियों की हत्या भी हुई थी। बात करें भाषा के आधार पर कहाँ झगड़ा हो गया था, तो बेल्जियम एक देश है, फ्रांस के बीच में है, एकदम फ्रांस के नीचे थोड़ा सा ही घर, तो बेल्जियम एक देश है, और बेल्जियम में भाषा के आधार पर झगड़ा हो गया, भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि वहाँ दो तरह, वैसे तीन तरह के भाषा लोग बोलते हैं, लेकिन आपको दो तरह के समझा रहे हैं, एक बोलते थे डच और एक बोलते थे फ्रेंच, तो ये दोनों भाषा में लड़ाई हो जाता था, यानी कि फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो चाहते थे कि हम आगे रहें, और ये जो डच वाले लोग हैं वो चाहते हैं हम आगे रहें। तो जानते हो क्या, डच वाले गांव में ज़्यादा थे, कहाँ थे, गांव में ज़्यादा। अब फ्रेंच वाले जो थे वो 40% है और डच वाले 59% थे, लेकिन ये हमेशा देखिए 40% वाला इसको दबा देता था, क्योंकि ये गांव देहाती लोग थे और ये लोग देहाती नहीं थे। पता है क्यों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, रट लीजिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा फ्रेंच लोग थे। आपको पता होना चाहिए कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है वो बकलोल होता ही है, तभी तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया है कि नहीं। अरे जिसकी जनसंख्या कम रहेगी वो शॉर्ट में अपना फैमिली अच्छा से गुजर बसर कर लेगा, इनकी जनसंख्या गांव में ज्यादा थी, लेकिन आप बताइए शहर में कमा धमा के कौन जाएगा, जो थोड़ा कम फैमिली का होगा, जो अच्छा पैसा कमाएगा बचाएगा, तो ये कम थे इसीलिए इसकी राजधानी, राजधानी शहर ना होगा, ब्रुसेल्स में इन लोगों का जनसंख्या ज्यादा, सबसे ज्यादा टाउन शहर में यही लोग 80% रहते थे, और यहाँ पे डच वाले 20%। यहाँ देखिए गांव में ये कितने थे, अब आपसे पूछा जाएगा डच भाषी किस क्षेत्र में रहते थे, तो फ्लेमिश में रहते थे, बेल्जियम का एक फ्लेमिश इलाका है उसमें डच भाषी, और बेल्जियम का एक वोलिविया इलाका है जिसमें फ्रेंच भाषी रहते थे, ठीक है, फ्रेंच भाषी वोलिविया में और फ्लेमिश में डच भाषी। लेकिन राजधानी की बात करें तो फ्रेंच कितना, 80% यहाँ पे हो जाएंगे फ्रेंच 80%, और यहाँ पे हो जाएंगे 20% डच, टाउन शहर में उतना ये लोग नहीं। तीसरा बात इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा संसद भवन में नेता होता पता है कौन बनते थे, ये फ्रेंच वाले, इधर के जो कम है राजधानी में जो ज्यादा थे वो नेता ज्यादा बनते हैं, इन लोगों को परेशान करते थे। तो इन लोगों को लास्ट में ये लोग समझौता कर लिए कि नहीं सत्ता का हम लोग साझेदारी कर ले, बहुत चालाकी किया लो, सत्ता का साझेदारी करे, तुम्हारा जितना मान लो कि एक संसद भवन हो गया जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह लोग बैठते हैं, सब लोग सॉरी मंत्री वगैरह लोग सभी बैठते हैं केंद्र सरकार में, तो बोला गया कि भाई आधा आधा इसमें बांट देते हैं, अगर 50 गो सीट मंत्री का है तो 25 गो रहेगा डच वाले का, 25 गो रहेगा फ्रेंच भाषा का, ठीक, और दोनों आदमी मिल करके कोई भी डिसीजन लेंगे, तभी अच्छा सा साझेदारी हो गया है कि नहीं। उसके बाद 1% जर्मन लोग हैं, तो कभी कभी पूछ देता है जर्मन कितना, तो 1%। यहाँ देखिए नस्ल और रंग भेद कहाँ पे, भाई रंग के आधार पर, तो अमेरिका में देख लो, अमेरिका में नस्ल पर ज्यादा लड़ाई होता है। मेक्सिको के ओलंपिक दौड़ चल रहा था, अब पूछा जाएगा कि नस्ल भेद कब, सॉरी मेक्सिको में ओलंपिक दौड़ कब चल रहा था, तो 1968 में चल रहा था, 200 मीटर का रेस था, ठीक है। इसमें पता है हुआ क्या कि एफ्रो अमेरिकी धावक थे जो श्वेत माने काला थे, काला थे, इलो दौड़ रहा था, तो इनके साथ भेदभाव लोग कर दिया कि काला को हरा दिया, जो गोरा था उसको जिता दिया, क्यों, क्योंकि जो जिताने वाला था ना वो गोरा डिपार्टमेंट से आता था इसीलिए हरा दिया। तो कौन कौन, तो आपसे पूछा जाएगा कि एफ्रो अमेरिकन दो धावक कौन कौन थे, तो याद रखिए टोमी स्मिथ, टोमी किसी का नाम रख दो, ठीक है, अब कार्लोस याद रखिएगा, टोमी कार्लोस, ये दोनों क्या थे, अश्वेत थे। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन ये पता है ये दोनों चाहते थे ना कि कितना अच्छा रहता, भेदभाव खत्म हो जाता, कोई हमको कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसा जो गोरा डिपार्टमेंट से हो तो और हम बैठ करके समझ लेंगे कि सुनो ना क्या हम लोग अपने में भेदभाव किए हैं। उसी में एगो मिल गया, ऑस्ट्रेलिया का धावक एक था जो श्वेत था जिसका नाम था नारमम, क्या था, नारमम, नारमम टोमिस ब्लैक था, कार्लोस, देखो टोमी स्मिथ ब्लैक, कार्लोस ब्लैक, लेकिन ये नारमम जो दौड़ने वाला था, तीनों तो धाव के हैं, ये गोरा था, ये तीनों के तीनों रंग भेद के खिलाफ थे कि सब हम लोग हटा दें, टैलेंट को देखें, अरे खूबसूरती में क्या रखा है, बुढ़ौती के बाद सब कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑस्ट्रेलियाई धावक रंग भेद के खिलाफ था, तो नारमम था, एकदम नॉर्मल आदमी था नारमन, याद रहेगा। और ये दोनों अश्वेत धावक कहाँ के थे, मैंने काले वाले, श्वेत नहीं, अश्वेत, तो ये थे एफ्रो अमेरिकी धावक थे, ये याद रखिएगा, ये कब, तो ये मेक्सिको के ओलंपिक में ये दौड़ किए थे और यहाँ रंग भेद में छट गए थे। अब्राहम लिंकन ने कहा था ये वाला, देखिए पता है क्या कहा था, कि ये जो लोकतंत्र है ना, ठीक है,
ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ जनता ही चुनती है सरकार को, और ये सरकार अपने लिए चुनती है कि तारी हमको सही से हमारा सरकार चल सके। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का है, किसका है, जनता का है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा, और जनता के लिए वो काम करता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। देखिए तो तीनों खूब बढ़िया, एक में लिंक हो गया है कि नहीं, तो लिंक से लिंकन याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन। और मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे, इन्होंने कहा है कि क्या ये सब धर्म के बारे में पढ़े हुए, तो मार्टिन अमेरिका के गांधी भी इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमेरिका के गांधी। तब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका के गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर, याद हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कि बेल्जियम में किस आधार पर भेदभाव हुआ था, तो रंग के आधार पर। अमेरिका में दो ठो अश्वेत अमेरिकी थे, उनका क्या नाम था, तो टोमी और कार्लोस, याद रहेगा, टोमी और कार्लोस, ठीक है। और इन दोनों में एक और व्यक्ति था ऑस्ट्रियाई, उसका क्या नाम था, तो नार्मन था, क्या नाम था, नार्मन, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों चाहते थे किसके विरोध में थे, नस्ल भेद के विरोध में। अब बात करते हैं ये पांचवा कंडीशन, तो पांचवा कंडीशन जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ श्रीलंका के बारे में जान लें। श्रीलंका अपना पड़ोसी, नीचे आंसू कहा जाएगा भारत का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखना, भारत के नीचे श्रीलंका है, जिसमें भी भाषा के आधार, अब श्रीलंका देखिएगा तो ऐसे मैप बनाइएगा ना, तो यहाँ श्रीलंका है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु से कुछ लोग आ गए हैं कहाँ पे, श्रीलंका में, और आकर के हमारा राज्य माने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही है तमिल वाला, मात्र 18% लोग हैं, और सिहली बोलने वाले लोग 74% है। इन दोनों में हमेशा लफड़ा लगा रहता है। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, और इन्होंने क्या किया, आज़ाद जब ये श्रीलंका, हम लोग 47 में हुए, ये लोग एक साल बाद 48 में हुआ, और सिहली वाले आके बोले कि देखो ये जितना भी तमिल वाला है सब भारत से आए, तो यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा हम लोग सिहली बनाए, तो 56 में, कब बाबू, 56 में सिहली को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ देखिए उत्तरी आयरलैंड की बात करें, ये वाला इंग्लैंड वाला जो ब्रिटेन में है ना, वही उत्तरी आयरलैंड, इनमें किस चीज को लेके विवाद था, तो इनमें नेशनलिस्ट और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। देखो जो ब्रिटेन है ना, वहाँ पे कैथोलिक धर्म होता है, तो ये धर्म में दो प्रकार का, एक धर्म था नेशनलिस्ट कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। तो आपसे ये पूछेगा कि प्रोटेस्टेंटो विवाद कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आयरलैंड हो जाएगा यहाँ पे, उत्तरी आयरलैंड या नीदरलैंड, दोनों लैंड वाला है ना, इसी में ये सब विवाद हुआ था। लास्ट में ब्रिटेन समझौता कर लिया, बोला कि दोनों आदमियाँ मिल के समझौता कर लेते हैं 1998 में, झगड़ा को बंद किया जाए। लेकिन जहाँ झगड़ा नहीं सलटा है ना, वो वहाँ पे आज भी विवाद है और वो बर्बाद है, ठीक है। यहाँ देखिए अब बात करते हैं कि भाई भेदभाव नहीं करना है, तो अनुच्छेद 19 के तहत सरकार बोली कि आप भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में आराम से आज़ादी से रह सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, वो अनुच्छेद 19 में लिखा है। 19 के तहत आप 19 वर्ष के मान लीजिए हो जाएंगे, तो आपको घूमने का अधिकार दिया जाएगा ना, कि जाइए आप थोड़ा सा देखिए, तनी समाज वमाज देखिए, 15-16 वर्ष तक मैट्रिक इंटर कर लिए जब, तो 19 वर्ष के बाद आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जब आप 15 वर्ष के होते हैं और मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं, तो बताइए कभी ये सोचे हैं कि फ्रेंड तुम कौन से जात के हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं ना करते हैं, एक ही ब्रेंच पर बैठ जाते हैं ना, तो वही बात है, अनुच्छेद 15 में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसे, धर्म और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर, कि तुम होने, तुम क्या बोलते हैं, दूसरा राज्य में जन्म लिया, हम दूसरे राज्य में जन्म लिए, ये सब कुछ नहीं होता है अनुच्छेद 15 में, और 19 में भारत में कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। अब देखिए भारत में तो पहले ये धर्म और जाति तो था ही नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की बात बताएं, तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण जी लोग धर्म को बांट दिए, बोले कि हम ब्राह्मण हैं और सबसे बड़े हैं, हम सबको ज्ञान देते हैं, ठीक है, और बाकी लोग शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली बातें हैं ना, ये अच्छा से उनको समझ में अभी नहीं है कि ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्राह्मण किस बात को लेके ज्ञान देते हैं, आज जो ज्ञान, देखो ब्राह्मण किसको कहा जाता है, जो भी आपको ज्ञान दे उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अभी के लिए हम आपके लिए ब्राह्मण हैं, क्यों, क्योंकि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण एक काम का नाम है, ये याद रखिएगा, कार्य का नाम है। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, भारत में हिंदू धर्म में चार प्रकार का वर्ण व्यवस्था, रट लीजिए, पूछेगा भारत में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटा गया, चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कहेगा ये क्या होता है सर, तो देखो इन्होंने नाम कैसे रखा है, कांग, जो लोग नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, नौकरी, उन्हें शूद्र कहा गया। जो लोग व्यापार करेंगे,
तो उनका जाति का नाम वैश्य, अभी के लिए वैश्य में आ जाएंगे जितने भी बनिया वर्ग के लोग हैं वो, जो लोग युद्ध करेंगे उसे क्षत्रिय, जैसे आर्मी अभी के लिए हो जाएगा, और जो लोग ज्ञान देंगे उन्हें ब्राह्मण। तो हम आपको ज्ञान दे रहे ना ब्राह्मण, तो चार प्रकार का वर्ण इसी तरह बांटा गया था। ठीक है, अब आते हैं समाज सुधारने के लिए कुछ लोग है, जैसे कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी भी समाज सुधारक है, भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा वाला है, पेरियार, रामास्वामी, ये सब लोग समाज सुधारक हैं। 1918 में बोला, अंग्रेज भी बोला कि एक काम करते हैं हम लोग भी महिलाओं को अधिकार दें, भेदभाव महिला से नहीं करें, तो वोट देने का अधिकार ब्रिटेन में सबसे पहले 1918 में दिया गया, ये याद रखिएगा। लेकिन भारत की बात करते, भारत में महिला भी नेता बन सकती हैं। ठीक है, पूरे के पूरे भारत के लोकसभा में 59 महिलाएं हैं किताब के अनुसार। ठीक है, फिर भी अगर परसेंटेज में इसको निकाला गया तो मात्र 11% है। अब देखिए ब्रिटेन में 19% महिला लोकतंत्र में है। ठीक है, सॉरी लोकतंत्र कह रहे हैं आपको, कौन सा हो जाएगा, लोकसभा में है। उसके बाद से यूएसए, अमेरिका में 16.1, आयरलैंड में 16.2 और फ्रांस में 16.9% है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत वाला 59 महिला है। अब यहां देखिए, ये पूरा का पूरा आपका वन लेसन कंप्लीट हुआ, लेकिन इस लेसन में पूरे बुक का निचोड़ निकला है मात्र 2 क्वेश्चन। कौन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है, आप बताइए सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, क्यों सत्ता को बांट दे सरकार, अपनी ताकतों को सभी वर्गों में क्यों बांट देती है। अरे बांटेगी नहीं, अगर मान लो कि किसी गरीब में कोई नेता नहीं बनेगा तो दूसरा कोई नेता जाइबे नहीं करेगा, कौन जाएगा उस गरीब की झोपड़ी में, इसलिए वहीं से एक नेता बना दिया जाता है। ठीक है, वहीं से एक पार्टी में इलेक्शन लड़ा के किसी को विधायक सीट दे देती है ताकि वो भी कोई पद पर जीत जाए। देखना मुखिया का इलेक्शन होता है तो एक ऐसा समय आता है कि उन लोगों का भी एक उन लोगों को भी एक सीट मिल जाता है। ठीक है, उन लोगों को भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में बिहार में कुछ इलाके में ऐसे जहाँ पे महिलाएं ही मुखिया में खड़ा हो सकती हैं, तो वैसे ही एक समय ऐसा आता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सरकार अपना नियम बदलती है कि सिर्फ दलित वर्ग ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो आखिरकार गवर्नमेंट मौका दी ना, इस तरह से अगर जनरल का मतलब होता है सब लोग लड़े तो कभी उसको कोई वोट देगा, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि दलित ही खड़ा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो मजबूरी में आखिरकार वो खड़ा होता है, तो इसको हम लोग जिताते हैं और मुखिया विधायक वगैरह ये बनते हैं और ये अपने भी समाज का कल्याण करते हैं और सबका करते हैं। इसीलिए सबको बराबर रखने के लिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ठीक है, समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता, समाज में विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, ये आपको लिख के आंसर दिखाना है। ठीक है, वैसे हम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जैसे ये वीडियो आप देखिएगा इसके अगले दिन ही इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तैयारी के पहले एक तैयारी और एग्जाम के पहले एक एग्जाम आपको देना है बाबू। तो उम्मीद करते हैं कि लेसन आपको समझ में आया होगा। बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लें कि सत्ता को सभी वर्गों में बांट दिया गया था, यानी कि साझेदारी कर दिया गया था। अब मान लीजिए सभी के हाथों में पावर आ गया है तो कार्य करने का ढंग तरीका होना चाहिए ना। तो अगले टॉपिक में है कि सत्ता की साझेदारी तो आपने कर लिया, लेकिन इसका कार्य प्रणाली यानी कार्य करने का ढंग, आखिरकार ये किस तरह से कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सभी वर्गों के पास पावर पहुंच जाएगा, पावर चला गया, मान लीजिए कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने अपनी ताकतों को बांट दिया, मुख्यमंत्री ने अपने ताकत को बटा तो हर क्षेत्र से विधायक को लाया, ऐसा होता है कि नहीं। और इसी तरह से केंद्र सरकार का एक और नियम लगा कि सभी इलाका में पंचायत होना चाहिए। मान लीजिए कि गांव में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है तो वो अपना जा करके विधायक जी तो भेटाएंगे नहीं, तो गांव के जो मुखिया होंगे उनके पास कंप्लेन जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, अब जो कार्यपालिका यानी कि गाँव के डेवलपमेंट, जैसे रोड ढलवाना हो गया, नल जल लेना, ये सब मुखिया के जिम्मे होता है, और जो झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो पंचायती को फरियाने का काम सरपंच को होता है। तो पंचायत में 2 आदमी सबसे हेड, कौन कौन, एक मुखिया एक सरपंच। मुखिया कार्यपालिका है और सरपंच न्यायपालिका है, झगड़ा वगड़ा फरियाएगा। लेकिन अपने यहाँ देखना, जब झगड़ा फरियाता है तो मुखिया जी के द्वार पर जाता है सब, मुखिया जी के द्वार पर नहीं जाना है, सरपंच है उसमें मेन होते हैं। अब समझिएगा, जो इस सरपंच होते हैं ये पूरे पंचायत के मालिक होते हैं, किसके, पंचायत के। अब ये भी बात है कि रात रात को जाके या दिन भर देखेंगे नहीं ना कौना घर में झगड़ा हो रहा है, तो हर टोला में, अब समझिए इसको ध्यान से, अब इसमें जगह है ही नहीं, ठीक है, यहीं पे थोड़ा समझ। मान लीजिए कि पूरा पंचायत हो गया, पंचायत में बहुत सारा गाँव भी आता है, 4-5 गाँव होता है, छोटा छोटा गाँव हो गया,
और इस गांव में होता है वार्ड, मान लीजिए जितना ये पूरा पंचायत है, पंचायत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 गो इलाका में मुखिया जी कैसे समस्या सॉल्व करेंगे। इसी के लिए बीच में मुखिया जी अगर हैं, सरपंच साहब हैं, तो समझिएगा ध्यान से, हर इलाका में एक एक मेन आदमी होता है जिसे वार्ड कहा जाता है। देखिएगा लोग कहते हैं कि हमारे घर के वार्ड में जीते हैं, तो एक एक वार्ड, ये वार्ड क्या करता है, वार्ड का काम होता है किस गांव में नल नलका वगैरह बनता है ना, माने विकास नहीं हुआ है, वो मुखिया को बताता है, ठीक, समझिएगा। यहीं पे एक और आदमी होते हैं पंच, वो क्या करते हैं किस गांव में झगड़ा हो रहा है, किस टोला में, वो सरपंच को बताएंगे। तो समझिएगा, वार्ड मुखिया को बताएंगे कि गांव के डेवलपमेंट के लिए, और झगड़ा वगैरह के लिए पंच सरपंच को बताएंगे। तो पंच का भी चुनाव होता है सभी इलाका में, ये दो दो आदमी होंगे सभी इलाका में, कितने कितने आदमी होंगे सभी इलाका में, दो दो आदमी, ठीक है। अब बीच में सबसे मेन पंचायत के दो आदमी, मुखिया और सरपंच। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मुखिया जी होते हैं, मतलब कौन से कार्य करते हैं, तो कार्यपालिका या को संभालते हैं, यानी पूरा का पूरा वो डेवलपमेंट विकास को संभालते हैं। और जब झगड़ा हो जाता है तो ये सब झगड़ा को सुलटाना, झगड़ा दो प्रकार का केस होता है, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। समझिएगा, झगड़ा में केस जब करने जाइएगा ना, तब सुनिएगा, जब मार करके जाइएगा तो फौजदारी, फौजी लोग मार करते हैं ना, और जब आप जमीन के विवाद में जाइएगा तो दीवानी, ठीक है। तो ये झगड़ा यहाँ पे होता है, वैसे ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको समझा दिए, यहाँ समझिएगा। अब बात करते हैं कि सत्ता में किस तरह कार्य करेगा। तो देखिए, कार्य प्रणाली दो तरह का होता है, एक पूरा देश जो बना है, अपना जो भारत देश देखिएगा, पूरे 28 गो राज्य मिला है और केंद्र शासित सब मिला है, तो एक भारत बना है ना। तो यहाँ समझिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था है, बहुत सारा राज्यों का संघ मिल करके व्यवस्था को क्या किया गया है, बनाया गया है, समझ में। उसके बाद यहाँ समझिएगा, उसी तरह भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, बेल्जियम में और स्पेन में, ये सब संघीय व्यवस्था है। लेकिन आप चले जाइए ब्रिटेन में, ब्रिटेन में बहुत सारे राज्य मिल करके एक संघ नहीं बनाए, ब्रिटेन में किसी प्रकार का संघ की जरूरत नहीं, ब्रिटेन में अकेले प्रधानमंत्री पूरे ब्रिटेन को देखते हैं, लेकिन भारत में अकेले प्रधानमंत्री नहीं देखते हैं, उसमें राज्य है, राज्य में मुख्यमंत्री हैं, ये सब अलग अलग बांट दिया गया है। तो बहुत सारे राज्यों से मिलकर संघ बनाए, तो संघीय व्यवस्था इतना में, और एकात्मक व्यवस्था, एगो ब्रिटेन है, मस्ट वीवीआई आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक व्यवस्था है, तो ब्रिटेन। और यह भी पूछ देगा निम्नलिखित में से किस देश में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ये तीन गो दे देगा, एगो ब्रिटेन देगा, तो इसमें नहीं है। इसमें जो सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में होती है, किसमें, कि एक ही आदमी केंद्र में मालिक होंगे, केंद्र माने जैसे मोदी जी दिल्ली में बैठे रहते हैं ना, वो केंद्र है, ठीक है। तो पूरा केंद्र से ही पूरे भारत को संभाला जाएगा, लेकिन अपने ऐसा नहीं होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, ठीक। और इसमें सत्ता केंद्र और राज्य के बीच बंटी होती है, आगे ना बात, ठीक है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, सबसे पहले दो प्रकार के लोग शासन करते हैं, एक आप कुछ देर के लिए समझिएगा, नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने नीतीश चाचा जो है, ठीक है, वो बिहार के मालिक हैं, सर्वे सर्वा है कि नहीं। इस हिसाब से भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं चलती है, एक चलती है राज्य वाला, राज्य का मालिक तो राज्य, और दूसरी केंद्र की सत्ता होती है। राज्य को अलग काम करने का पावर है, केंद्र को अलग काम करने का पावर है। जैसे मान लीजिए विदेश नीति, इस देश से उस देश व्यापार करना है, तो विदेश में जाकर मीटिंग नीतीश चाचा नहीं करेंगे, देखना मोदी जी ही जाते हैं, ठीक है। तो विदेश नीति हो गया, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं केंद्र सरकार करती है, और गांव में छोटा मोटा सुधार जो करना होता है, शिक्षा पर, पुलिस व्यवस्था में, देखो हर देश हर राज्य में ना वहाँ की पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये राज्य का काम होता है, तो यहां समझिएगा। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, तो जिस व्यवस्था में लिखित संविधान हो, यहाँ एकात्मक, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ जो वहाँ के मंत्री लोग बोल देते हैं, जो प्रधानमंत्री बोल देगा, वही नियम हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ एक संविधान है। तो जिस इलाका में संविधान होता है वो संघात्मक व्यवस्था होता है। अब देखिए, अपने यहाँ संविधान बनने की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और पहली बार बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, ठीक। इसमें इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने बैठे बैठे कि संविधान भारत का बनना चाहिए। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं कि सरकार अपने शक्तियों को बांट देगी, सरकार अपने शक्तियों को क्या करेगी, बांट देगी, कैसे, यहां समझिएगा, तीन हिस्सा में शक्तियों को बांट देगी। एक केंद्र सूची, सूची होता है ना, टोटल के टोटल कितने अनुसूची होते हैं, 12 अनुसूची होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो सूची है उसमें समवर्ती सूची की बात करेंगे, इसमें नीचे आएगा। तो केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र नियम बनाता है, कौन बनाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्र सूची में कौन नियम बनाता है, केंद्र नियम बनाता है, और ये 97 और 98 मुद्दों पर नियम बना सकता है,
ठीक, राज्य सूची में राज्य नियम बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसा खंड है जिसमें केंद्र भी नियम बनाएगा, राज्य भी नियम बनाएगा। लेकिन मान लीजिए कि शिक्षा पर केंद्र ने नियम बनाएगा कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो भी चुना जाएगा, क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ अपने राज्य में शिक्षा का अलग नियम बना दिया, तो ये दोनों का टकरा जाए कि नहीं, उन्हें केंद्र बना दिया, इन्हें राज्य बना दिया, तो इसमें जीत केंद्र की मानी जाएगी। बात किसका माना जाएगा, केंद्र। समवर्ती सूची में दोनों नियम बनाएगा, लेकिन जब भी विवाद होगा, टकरा होगा, तो केंद्र सरकार को मान्यता दिया जाएगा, जिसमें 47 विषयों पर चर्चा किया गया है। यहां देखिए, केंद्र सरकार किन किन चीजों पर नियम बना सकता है, अगर विदेश में कोई लफड़ा हो तो जाके मोदी जी ही देखेंगे। सीमा का सुरक्षा करना, बॉर्डर वगैरह, तो जाकर के मुख्यमंत्री करते हैं, नहीं, ये सीमा सुरक्षा। रुपया पैसा बदलना हो, जैसे 2000 का नोट चालू करो, 2000 का नोट बंद करो, ये किसी भी राज्य की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं उन लोगों के जरिए ये सब किया जाता है आराम से बैठ करके, तो ये केंद्र सरकार का है। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, शिक्षा पर बना सकते हैं, स्वास्थ्य पर, पुलिस व्यवस्था पर बना सकते हैं। अब एक सर, इसमें कौन कौन नियम, तो इसमें स्वास्थ्य पर नरेंद्र मोदी भी बना सकते हैं, और आपके जो अभी भारत बिहार के क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों मैच नहीं करेगा, दोनों संतुष्ट नहीं होंगे, तो सिर्फ बात रहेगा केंद्र सरकार का। जैसे कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी में सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा ही नियम बनाया जाएगा, तो केंद्र सूची हो गया। अब देखिए, वेस्ट इंडीज में संघवाद 1998 में लगा, 58 में लगा, और 58 में लगने के बाद से 62 में, ठीक 4 साल के बाद इस नियम को, संघवाद को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद से 1973 में चिगुआ रायस की संधि हुई, फिर उसके बाद ये भी याद रखिएगा नाइजीरिया में 1950 में संघवाद। यहाँ देखिए, वेस्ट इंडीज में 58 में संघवाद, नाइजीरिया में 50 में संघवाद, ठीक है। हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था, ये क्या होता है, अपने गांव में जो पंचायत है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, पूरे 28 राज्य है, इसमें सबसे पहले किस राज्य में पंचायत की शुरुआत हुई थी, कि भाई यहां मुखिया का इलेक्शन होगा, ठीक है, गांव में मुखिया का इलेक्शन होता है, शहर में नहीं होता है, शहर में वार्ड का होता है, नगर निगम, देखिए गांव में पंचायत होता है और शहर में क्या बोलते हैं नगर व्यवस्था होता है, नगरीय व्यवस्था, और वहां पे गांव में मुखिया होते हैं और यहां पे मुखिया नहीं होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, समझिएगा यहां ध्यान से। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले 2 अक्टूबर, गांधी जी का जिस दिन डेट ऑफ बर्थ है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत बना, और वो भी कौन बना है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बनाया गया था, बलवंत राय मेहता। वो बोले कि पता है गांव में 3 स्तर का पंचायत रखिए, पंचायती राज व्यवस्था कितना, 3 स्तर का, ताकि गांव में अपनी समस्याओं को बताया जाएगा और वो ऑटोमेटिक आ जाएगा मुख्यमंत्री के पास, कैसे, तो सुनिएगा, पंचायत 3 तरह का व्यवस्था बनाए, आप मुखिया को कंप्लेन कीजिए, मुखिया कंप्लेन करेगा ब्लॉक में, मतलब आपका जो भी ब्लॉक हो, ब्लॉक वाला करेगा डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट वाला कहां कर देगा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास, तो इस तरह से व्यवस्था बनाया गया, समझिएगा यहां ध्यान से हम, ठीक है। तो त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बनाया, जो कि यही चला, एक आए 1977 में बहुत चलाक आदमी जिनका नाम है अशोक मेहता, ये बोले कि 2 स्तरीय होना चाहिए, तो इनका भंग हो गया, ठीक, कैसे याद रखिएगा, 1, 2, 3 गो से लिखा गया ना, तो ये त्रिस्तरीय, अशोक मेहता जो है ये 2 गो से लिखा है, अशोक मेहता, तो 2 स्तरीय व्यवस्था दी है, लेकिन चला कौन, बलवंत राय मेहता समिति ही चला। 3 तरह का पंचायत, पहली बार पंचायत की शुरुआत राजस्थान में हुई, राजस्थान में मुखिया का इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिस नागौर जिला, याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू हुआ था। अब यहाँ एक तरफ पंचायत, ये गाँव में रूल लगता है और ये शहरों में रूल लगता है, और इस रूल में गड़बड़ी होगा तो संशोधन किया जाता है, सुधार किया जाता है, तो ये संशोधन यहाँ पे भी है, और इसमें गड़बड़ी होगा तो यहाँ पे भी संशोधन, यहाँ समझिएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ देखिए, एक मिनट, ग्राम पंचायत होता है जिसके मेन अध्यक्ष होते हैं मुखिया जी, कौन होते हैं, मुखिया जी, सबसे पंचायत के मालिक मुखिया जी, ग्राम समिति के मालिक यानी ब्लॉक के मालिक प्रमुख, और जिला परिषद के मालिक को कहते हैं अध्यक्ष। 7000 वाले इलाका जो होता है उसमें क्या बोलते हैं मुखिया का इलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि कभी इसमें गड़बड़ी हो गई, पहले ये भी देख लेते हैं, शहरों में क्या होता है, छोटा सा शहर होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी गांव है, और धीरे धीरे गांव डेवलप होगा तो शहर में बदलेगा ना, माने पहले पंचायत था, पंचायत से नगर में बदलेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसे नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है। नगर पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद में अध्यक्ष ये भी मेन मालिक होते हैं, लेकिन नगर निगम, जैसे पटना एक नगर निगम है, बहुत बड़ा शहर है ना, ठीक है, नगर है, तो इसीलिए वहां के मेन मालिक को महापौर या मेयर कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि महापौर किसके मालिक होते हैं भाई, तो ये नगर निगम के मालिक होते हैं, तो पटना एक नगर निगम है, ठीक है, जिसकी स्थापना आपको बताएंगे, यहां समझिएगा। अगर पंचायत में कहीं गलती हो जाए तो 73 नंबर संविधान संशोधन किया गया था, और नगर वाला में, शहर वाला में 74 नंबर। अरे पहले पंचायत होता है तब ना वही धीरे धीरे शहर बनता है, तो पहले ये आएगा 73, फिर ये हो जाएगा 74।
इसको अनुसूची 11 में रखा गया है। मान लीजिए कि संविधान का एक भाग है अनुसूची, ठीक है, तो उसी में बात करें कि 11 नंबर में, इसमें 12 नंबर अनुसूची रखा गया है। ठीक, यहां देखिए, जब 73 नंबर संविधान संशोधन हो गया और अनुसूची 11 में 11 के अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया था, समझिएगा भाग 9 को, जिसमें 29 मुद्दों के बारे में चर्चा हुआ है, 29 को नया मुद्दा जोड़ा गया, और इसमें कितना नया मुद्दा, 18 नया मुद्दा जोड़ा गया था। ये देखिए, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक, और ये वाला 74वां संविधान संशोधन का गठन हुआ था 93 में, लेकिन सुनिएगा, गठन हो गया 92 में, ठीक, लेकिन लागू हुआ था 93 में, समझ में है, ये वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में, महिलाओं को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया गया, कब, 2006 में 50% महिला को सीट दे दिया गया, कि आधा इलेक्शन आधा का सीट का, मान लो कि 100 गो टोटल सीट है तो अकेले महिला का 50 होगा, 50% आरक्षण महिलाओं को 2006 में दे दिया गया था। अगर मुखिया जी लोग किसी कारणवश उनको हटा दिया जाता है, क्या कर देता है, हटा दिया जाता है, तो भाई फिर इलेक्शन कितना दिन बाद हो सकता है, 6 महीने बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा, ये संविधान में लिखा गया है, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन मुखिया जी को हटाया जा सकता है तो मुखिया जी उब जाए, आजकल कोनो मुखिया हटेगा नहीं हटेगा, लेकिन जब मुखिया जी उब करके हटेंगे तो उबेंगे कैसे, जब पूरे जनसंघ जितने भी पंचायत के लोग हैं वो सब लोग एकजुट हो जाए, और एकजुट होकर कम से कम 2/3 हिस्सा, माने पूरे लोगों का 3/2 कर दो, कितना हिस्सा, 3/2, और इस 3 हिस्से में से 2 हिस्सा अगर मुखिया जी के खिलाफ हो जाए तो मुखिया जी आराम से हट सकते हैं, समझ में है। उसके बाद देखिए, पहली बार शहर, पहली बार पंचायत कहाँ बना, राजस्थान में, पहली बार नगर कहाँ बना, मद्रास, जो चेन्नई में है, 1688 में बना, और ये कब बना, तो ये बना 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद से अपने बिहार की बात करें, ये तो पूरे भारत में पहली बार शहर मद्रास में बना, लेकिन बिहार में पहली बार शहर पटना नगर निगम, ये देखिए पटना 1952 में बना, जिसमें 75 वार्ड हैं। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ भी वार्ड होता है जो मुखिया को काम बताता है, और शहरों में भी क्या होता है, वार्ड होता है, तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, अभी बढ़ गया है। ठीक, यहाँ देखिए, अनुच्छेद 33-34 एग्जाम में पूछा है, ये भी रख लीजिए। अनुच्छेद 33-34 क्या करता है, किसी भी राज्य में सभी लोग अपने मुख्यमंत्री से अगर नाराज हो जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बहुत घटिया है, और मुख्यमंत्री अपने पद को नहीं त्यागता है, अगर नहीं छोड़ता है, तो आप डायरेक्ट वहां पे कंप्लेन कीजिए केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी को, कि हमारे यहां के जो मंत्री हैं पूरे के पूरे मतलब बर्बाद कर रहे हैं अपने राज्य को। तो पता है नरेंद्र मोदी के पास वो पावर है कि डायरेक्ट आ करके, और उन्होंने क्या करते हैं, पूरे भारत पर, सॉरी पूरे राज्य पर, ठीक है, पूरे राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकते हैं, कब, जब जनता सहयोग करेगी तब। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है पता है, राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री के पावर का वैल्यू 0/0 हो जाएगा, खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए, 73वां 74वां अनुच्छेद में जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि कर दिया गया है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य के नेता से नाराज है, ठीक है, तो वहां पे केंद्र सरकार आके राज करेगा और वहां पे सैनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी, आकर के यहां पे सैनिक भेज देंगे और वहां पे ये संभालेंगे। उसके बाद से मुखिया अपना त्याग पत्र, मुखिया पंचायत के होते हैं ना, तो यहां देखिए, जिला पंचायत, पंचायत है तो पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है, मुखिया अपने पद से हट सकता है जब 2/3 बहुमत हो जाए, ये समझ में आपको आया होगा। एक चीज और पूरे के पूरे संविधान में जो यहाँ पे अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, कितने भाषाओं का जिक्र है, 22 गो भाषा रजिस्टर्ड है, राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जाएगा लेकिन रजिस्टर्ड भाषा कितना है, 22 गो है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि भोजपुरी नहीं है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ऐसे करके टोटल कितना है, 22 भाषा है, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा चुटकियों में आप चाहेंगे तब। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, तो फिर लेट नहीं करें, पहले तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगा है और पूरा का पूरा वीडियो मैराथन के माध्यम से अपलोड होगा। अब तैयारी के पहले एक बार और लास्ट तैयारी आप लोग ऐसे ही कीजिए, पूरा मैराथन देखिए और इस ऑब्जेक्टिव इसके बाद वाले में अपलोड हो रहा है उसको देखिए और पूरा का पूरा वीडियो देख करके दिमाग में सेट कर लीजिए और जाइए जबरदस्त तरीके से एकदम टिक मारिए, आपका टोटल क्वेश्चन सही होगा, गॉड से मेरी यही दुआ है। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं। इस लेसन से सबसे ज्यादा बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र नहीं है, कोई राजा महाराजा हम पर आकर दबाव नहीं दे रहे, लोकतंत्र में जी रहे, यानी कि हमारे अनुसार सरकार चल रहा है, यानी हम सरकार का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, चुनते हैं, यही है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों के राज को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन हमेशा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन बना रहता है, तुम देखना हमेशा दो पार्टियों के बीच लफड़ा लगा रहता है कि वो जीतने वाला है तो आज ये जीतने वाला है, ये होते रहता है, पता है क्यों, ये लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये लोकतंत्र के लिए फायदा है। अब ये सर ये लफड़ा जो है ये जीतेगा वो जीतेगा,
इस फायदा कैसे? देखिए, अगर 5 साल तक एक सरकार मान लीजिए सत्ता में है, मतलब होता है कि सत्ता में जीत चुकी है, और वो 5 साल में अगर कुछ काम नहीं कर रही है, तो उसका जो विपक्षी पार्टी होगा वो कर बुराई करेगा, जा करके स्पीच देगा तो कि बताइए 5 साल में ये सरकार ने क्या किया, तो बताइए। अब उसको जो विपक्षी जो जीती हुई सरकार है उसके दिमाग में आएगा थोड़ा सा काम कर देते हैं, तो इस बहाने से भी वो मजबूरी में काम कर पाता है। यानी विपक्षी दल भी एक तरह से सपोर्ट करता है कि भाई तू कमवा करो, नहीं तो हम भी आ जाएंगे, और वो आ ही जाता है अगर काम नहीं कर पाता है। तो विपक्षी दल भी लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा बात कि सरकार अपनी मनमानी से कोई भी नियम नहीं लगा सकती है, कोई भी फैसला नहीं सुना सकती है। अगर वह जनता के खिलाफ हो तो 5 साल के बाद से उनका कहानी खत्म, और नहीं तो 2/3 हिस्सा अगर सीट बट जाए तो 2/3 हिस्सा समूह मिल करके और पूरे के पूरे सरकार को देन एंड देयर पलट सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, इसीलिए लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन तो जरूरी है, इसीलिए लोकतंत्र में बहुत सारा संघर्ष भी होता है, कौन पार्टी जीतेगा हारेगा। देखो यहाँ पे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इलेक्शन होता है, तो ये लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत बनाती है। इससे सभी नेताओं को औकात पता रहता है कि जनता ही राज है, यहाँ जनता का राज है। ठीक है, यदि सरकार फैसला लेने में जनता के हितों को अनदेखा कर दे, मान लो कोई फैसला ले जनता के बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है, तो क्या कहला, तब जन संघर्ष होता है, तब सभी जनता फैसला करेगी, ठीक है, कि इस बार सरकार कौन होने वाला है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो राजा को मन में आएगा वो वही नियम लग जाता था, जनता उस पर कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अभी अगर जो अपने देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, उससे भी मतलब कि उतारा जा सकता है प्रधानमंत्री की सीट से। यहाँ देखिए, लोकतंत्र में सत्ताधारी स्वतंत्र नहीं है, जो जीते हुए हैं वो स्वतंत्र नहीं है, विपक्षी दल भी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये थोड़ा सा आपको लिख दिए, ये पता है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ये पूरा का पूरा हम लिखे हैं, ये आपके इस लेसन का 4-5 क्वेश्चन का डेफिनेशन है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा क्यों जरूरी है, तो ये भी बता सकते हैं, ताकि सरकार को ये भी पता रहे कि वो भी 5 साल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, वो अपना राज नहीं जमा सकता। ये कई क्वेश्चन का आंसर इतना ही में है, इसे बना के आप लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, बिहार में भी कुछ ऐसे ही हुआ, सरकार को लगा कि अब हम ही राज करेंगे, इंदिरा गांधी जी को लगा था कि अब हम तो जीत गए ना, हमारे बाबूजी शुरू से थे जवाहरलाल नेहरू, अब लग रहा है कि हम भी जिंदगी बनाएंगे, हम कुछ भी करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पता है एक चीज याद रखिएगा बाबू, जब जब कोई केंद्र में उंगली किया है हमेशा वो बिहारी ही रहा है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। केंद्र सरकार को हिला देने वाला किसी राज्य की बस की बात नहीं है, वो सिर्फ बिहार से ही केंद्र सरकार डर रहा था, यानी कि बिहारियों के राजनीतिक से, क्योंकि यहाँ राजनीतिक बहुत बढ़िया, डेवलपमेंट नहीं है, राजनीतिक बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जब जब केंद्र में उंगली किया गया वो एक बिहारी के द्वारा ही किया गया। आज भी देखिए डगबगा रही है, अगर थोड़ा सा भी हिल डुल रहा है तो एकदम बिहार पर फोकस है कि प्रधानमंत्री कहीं दूसरा कोई नहीं बन जाए, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ देखो, बिहार में फिर आंदोलन शुरू हो गया, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। देखो उस समय भी बिहारी स्ट्रांग थे और प्रधानमंत्री को प्रभावित करते थे, और आज कल भी बिहारी जो हैं पर डायरेक्ट केंद्र पर वार करते हैं। ठीक है, राज्य तो है ही हम लोग, लेकिन उस पूरे 28 राज्य में बिहार ही है जो केंद्र को चैलेंज करता है। यहाँ देखिए, बिहार का छात्र आंदोलन का कारण क्या था, बिहार में आखिरकार काहे आंदोलन हो गया इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी, अब देखिए ये पूरा का पूरा जनता का पावर बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पढ़ रहे हैं, देखना इंदिरा गांधी को कैसे यहाँ पे उनके सीटों से उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1971 में इंदिरा गांधी आई और बिहार में भी आकर के बोली कि देखिए इस बार पक्का गरीबी हट जाएगा, गरीबी हटाओ के नारा दिया और सभी बिहारियों का दिल जीत करके और सत्ता में बरकरार हो गई, यानी कि सत्ता में जीत करके और एक सरकार का निर्माण की, केंद्र सरकार का निर्माण की, और उस समय प्रधानमंत्री 1971 में इंदिरा गांधी बनी। ठीक, नारा क्या था, गरीबी हटाओ, और इस नारा के अकॉर्डिंग लोगों ने वोट दे दिया कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी सरकार बनाएंगी, और इस तरह से इंदिरा गांधी जीत गई। लेकिन पता ये चला कि जब इंदिरा गांधी जी थी उस समय बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद कुछ बांग्लादेशी भारत में आ गए थे, और उन लोगों को भी रहने के लिए इंदिरा गांधी जगह दे दी, शरण दे दी। अब आप बताइए, अभी हमारा देश की स्थिति ठीक नहीं है, तब तक दूसरा कोई भी आ गया, और वहाँ पर जब शरण दिया गया तो यहाँ पर आ गई भूखमरी। उसके बाद उसी साल, ये भी बैड लक
माना जाएगा। ठीक है, उसी साल मौसम ऐसा प्रभाव किया कि कोई इतना ना मानसून तगड़ा, धूप वगैरह निकलने लगा, बारिश हुआ ही नहीं कि कुछ अनाज वगैरह फसल वगैरह नहीं हुआ। अब देखिए कितना बदनसीब एक तरह से है, ठीक है, कोई फसल नहीं हुआ। अब लोगों के अंदर हो गया कि भाई ये सरकार आते ही, पनौती आते ही ये क्या क्या हो गया। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, वैसे लोगों की सोच बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो 1972 में मानसून की असफलता, देश में भूखमरी आ गई। ठीक है, फिर 1974 में पता है क्या, इंदिरा गांधी की सरकार में लोग लगे घूस वगैरह लेने, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया, पूरे बेरोजगारी बढ़ गई, खदानों में कमी आ गई। इसी के कारण बिहार से रहा नहीं गया और बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, कब, 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत, 1974 में। और फिर उन्होंने, सभी छात्रों ने राय किया कि इस आंदोलन का कोई मेन नेता को चुना जाए जो काफ़ी थोड़ा सा ज्ञानी और समृद्ध हर तरीके से हो, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन इसी को बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण इसके अगुवाई किए और इन्होंने कहा कि यह बिहार का आंदोलन, सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं पूरे भारत का आंदोलन होना चाहिए और बहुत बृहद पैमाने में सभी को लेकर के, और डायरेक्ट दिल्ली चले गए और दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके और इंदिरा गांधी को डायरेक्ट इंदिरा हटाओ के नारा लगा दिए कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया जाए। इसके आने से ही इस देश की ऐसी स्थिति हुई है। यहां देखो 12 जून 1975 को इलाहाबाद, समझिएगा, सॉरी ऊपर वाला थोड़ा सा देख ले, इनकी मांगे क्या थी। तो इनका मांग था कौन, जयप्रकाश नारायण का, बिहार में कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करो, बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी, कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से नहीं थी, कांग्रेस से थी। ठीक है, और इस तरह से पूरे के पूरे देश में लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। ठीक है, यहाँ देखिए, और यहाँ से 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च की शुरुआत किया गया। फिर 25 जून 1975 को, समझिएगा ये 12 जून है, इलाहाबाद में क्या हुआ, उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार को बर्खास्त कर दिया अपने राज्य से। ठीक है, इलाहाबाद वाले इलाका, यानी कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश वाले साइड से, यहाँ पे क्या हो गया, ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू हुआ और इंदिरा गांधी को लगा कि बाप रे बाप, ये तो पूरा देश हमारे खिलाफ हो गया। लगभग सभी राज्य, गुजरात, पंजाब, सभी जगह से लोग आ करके और इंदिरा हटाओ के नारा देने लगे। इंदिरा गांधी को हटना पड़ा और उन्होंने, पता है, इंदिरा गांधी डर गई और उन्होंने आपातकालीन घोषित कर दिया, जैसे लॉकडाउन होता है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, आंदोलन को बंद करो, उसके लिए ही इन्होंने क्या किया था, आपातकालीन घोषणा, 18 महीने के लिए संपूर्ण भारत को बंद कर दी। जब उनसे नहीं हुआ, जब ये 18 महीना बीत गया, उसके बाद से बोला कि नहीं, अब एक और काम होगा, अब फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन में चुना जाएगा, ठीक है, कि कौन इस बार का प्रधानमंत्री होगा। और पता है लगभग 2 साल के बाद, 75 से 77 में निर्वाचन की घोषणा हो गई। निर्वाचन माने होता है वोट, इलेक्शन की घोषणा हो गई और इसमें इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई, इनका बेटा संजय गांधी भी हार गए, अपने ही सीट पर हार गए, दूसरे का छोड़ो, ठीक है, अमेठी वगैरह से ये लोग लड़े थे। और यहाँ पे देखो पता है क्यों हार गए, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ और छोटा छोटा जितना पार्टी था सब एक तरफ, सारी जनता एक तरफ, जनता ने मिल करके एक पार्टी बनाई जिसे जनता पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता पार्टी। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। 542 को पूरे सीट में 330 जनता पार्टी को सीट मिली थी, 542 में 542 में 330 सीटें जनता पार्टी को मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद से फिर से दोबारा इनको मौका दिया गया, एक बार 1980 में बोला गया कि नहीं आप ही चले, क्योंकि इसमें भी लफड़ा हो गया जनता पार्टी में, जानते हो, कोई कह रहा था हम बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे करके लफड़ा हुआ। लेकिन 1980 में पुनः इंदिरा गांधी को क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। यहाँ समझिएगा ये तो रहा, अब बताओ जनता का पावर, समझ में आया ना, जनता का राज, यानी कि यहाँ कोई राजा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर जनता ठान ले तो चुटकियों में जमीन पे लाके पटक देगी किसी भी बड़े नेता को। यहाँ देखिए दलित ने भी आंदोलन कर दिया महाराष्ट्र में, बोल महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि दलितों को शुरू से ही लोग प्रताड़ित किए हैं, शुरू से ही उनको छोटा जात समझ करके बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के दलित बोले कि अब हमारा भी पावर देख लो, महाराष्ट्र के दलित युवा संगठन, ठीक है, ने भी क्या किया, अपने शोषण के खिलाफ आंदोलन कर दिया, शुरू से ही जो शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ। तो आपसे पूछा जाएगा कि दलित पैथर्स,
ये जो आंदोलन चला था ये कहाँ चला था, तो महाराष्ट्र, मुंबई समझते हो ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अध्यक्षता लगभग माना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाति होती वाला जितना बात आएगा ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद से सरकार ने इसके लिए भी नियम बनाया, 1989 में दलित के लिए कानून बनाया गया, याद रख लीजिएगा 1989 में, 90 में एक कम, 89 में दलितों के लिए कानून बनाया गया। उसके बाद हर जगह जनता का पावर देखने को मिला। आप चले जाइए कहाँ पे, नेपाल में, नेपाल में भी राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाया गया, श्रीलंका को 1948 में आजाद कराया गया, ठीक है। अलग अलग जगह जनता के पावर को दिखाया जाएगा, उसको अगले लेयर में देखते हैं। अब जनता के राज में ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ जनता ने सरकार को गिरा दिया, जनता के पावर को समझते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र में लोगों का पावर क्या है। यहाँ बहुत जगह अलग अलग देशों में सरकार अपने मनमानी की और वहां से जनता उसको रोड पे लाके खड़ा कर दे कि चल तू लायक नहीं है, अब यहाँ जनता की सरकार है और जनता जिसे बेस्ट समझेगी उसी को ना चुनेगी, है ना। तो देन एंड देयर करोड़पति से रोडपति बनाने का काम ही जनता का है। यहाँ देखिएगा भारतीय किसान यूनियन, अब किसान को भी परेशान किया गया था, जब किसान को परेशान किया गया था वो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, इसमें आ जाएंगे प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, एकदम टिक गए थे कि सरकार को हटा देंगे। और दूसरा राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक थे एम युद्धी, ये देखिए ये टिकैत हैं, ये युद्धी हैं, युद्ध करने वाले युद्धी हैं, भी नाम है वीर सिंह, युद्ध करने वाले वीर ही ना होते हैं। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने चेतावनी दी सरकारों की, सुनो जो भारत की कृषि को विश्व की सॉरी ये जो भारत की कृषि है उसे WTO विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने की मांग ये लोग दोनों की है कि WTO से बाहर रखो भारत की कृषि को, उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक मत करो। वीर सिंह और टिकैत ये दोनों ने बोला है, ये बात आप याद रखेंगे। ताड़ी विद्रोह, ताड़ी विद्रोह में बड़ी मजा आया था आंध्र प्रदेश में, जानते हो होता क्या था, ताड़ी विद्रोह में पुरुष लोग जाकर के पूरा शराब वराब पी लेते और रात को अपने बीवी को बड़ी मार मार देते। एक दिन बैठ के महिलाओं ने मीटिंग कर लिया, राजनीति कर लिया कि सुनो ना आके तुम रे वाला मार रहे हैं ना, पटक के मारो पूरा दबा के, ठीक है। यहाँ देखो तो ताड़ी विद्रोह में जब ये लोग पी लिया, नशा उतर गया उन लोगों का, तब सारी महिलाओं ने पता है कि आंदोलन कर दिया। सबसे पहले तो जितना भी दारू शराब बेचने वाला है उन लोगों को भी बड़ी मार मारा, उसके बाद से झाड़ू लेके घुस गई घर के अंदर, अब पैर ऐसे पकड़ के अलग ही खींचने बाहर निकाल के, और उसी पर क्या हुआ, उसी पर शरीर पर बैठ के पूरा दबा के मारी, झाड़ू से मारी, खूब मार मारी। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने अपने पति देव को बढ़िया से पूजा पाठ किया है, ठीक है, यानी कि ताड़ी विद्रोह वही है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबर घट्टा में मार के दुबरा दिए, ठीक है। 1990 में सबसे पहले लोग ट्रेनिंग ले लिए कि इकरा बाद पी के आएंगे ना तो बड़ी मार मारना तुम लोग। अब वैसे भी एक और चीज़ है, शराब पियोगे तो शरीर तो बस में रहेगा नहीं, मारो एक तबड़ा खींच के जाएंगे ठाए दे लड़ेंगे, शरीर में तो ताकत रहेगा नहीं। और पता है नुकसान क्या होता था, ताड़ी पी करके अपने शरीर को वो लोग बर्बाद कर लेते थे, जिससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता, क्योंकि काम तो करते नहीं थे, ठीक है। इससे महिलाओं को घर चलाने में काफ़ी परेशानी होती थी, ठीक है, इसलिए इन्होंने ताड़ी विद्रोह कर दिया था, ठीक है। लगभग 5000 गाँव की महिला, बाप रे इतना महिला आ जाए तो हालत तो खराब हो ही जाएगा, ने भाग लिया था। और यहाँ पे पुरुषों को शराब की लत और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, जिसके वजह से ये ताड़ी विद्रोह हुआ था। अब आते हैं कोटपा, यही बात है, सिगरेट वगैरह पी रहे हो ना तो धूम्रपान पड़ेगा महंगा, होगा तो होता है कि नहीं, तो ये सबसे पहले इसको कहते हैं कोटपा विद्रोह 2003, ये याद रखिएगा। कोटपा सी से हो जाएगा सिगरेट, अस एंड अदर सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट एक्ट, ठीक है, यानी कि सिगरेट और तंबाकू जो प्रोडक्ट है इस पर एक अधिनियम लगा 2003 में, याद रख लीजिए। इसके तहत आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ये सब नहीं कर सकते, जैसे रेलवे स्टेशन में, सार्वजनिक माने जहाँ सभी लोग ज़्यादा रहते हैं, स्कूल वगैरह में ये सब काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बैंक वगैरह जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं ये सब काम आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपको वैसे भी 200 रुपया जुर्माना लगेगा, धारा 21 के अंदर आपको 2 साल के लिए जेल भी हो सकता है। तो कोटपा का धारा 21 है, ठीक है। 1973 में एक धारा लगा, 25 से लेकर 28 तक ये धारा लगा है, इसके आधार पर आपको सजा सुनाया जाता है। और इन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाला है, पता है क्या, कि 2030 तक देख लेना धूम्रपान से लोग 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु की संभावना इन्होंने बताया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कोटपा की धारा क्या है, तो याद रखिए कोटपा की धारा है कौन सा, आर्टिकल
कोटपा की धारा क्या है, आर्टिकल 21 है, क्या है आर्टिकल 21। उसके बाद से नर्मदा बचाओ, अभी इसमें भी सरकार को, ये टोटल है सरकार को झुकाया गया, यही बता रहे हैं ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि नर्मदा मर्द लोग पटा लिए हैं, मेगा को पटाना है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ तो मेगा पाटकर ने किया था, इसमें जानते हो क्या किया था कि देखिए एक नर्मदा नदी है उस पर बांध बनाया गया था, क्या बनाया गया था बांध, वो गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीन इलाकों से वो बांध गुजरता था, और जहां ये बांध बनाया गया ना वहां पे लगभग 245 गांवों को डूबने की आशंका थी। तो भाई वहां से जब गांव को हटाया जाएगा तो दूसरे जगह रहने के लिए जगह घर देना पड़ेगा ना सरकार को, और ये सरकार काम नहीं की, इसके लिए ये सब काम किया गया था। उसके बाद से देखो बड़ा छाए छाए सुनाता हो, हैं सुनाता पूरा, अब चला रहे हैं तो सुना रहा है पूरा बैग, कहो मत चिल्लाओ। अब यहां देखिए, उसके बाद से अब ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन लगभग माना जाता है 1988 से 89 तक ये चला था, लेकिन आपके गूगला से पूछिएगा तो 1985 भी ये बताता है, ठीक है 85 बताता, आपके किताब में ये दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं, यहां देखिए 300 बड़े बांध, 135 सब में तीन तीन है ना, ठीक है 135 छोटे बांध, मझले बांध सबसे छोटे 300 बांध इस पर बनाया गया है। बताओ तो एक 245 गांवों को खतरा था, इससे दो दुना चार कर देना और एक आगे बढ़ा देना पांच। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, बड़ी अच्छा है आपको सबसे ज्यादा सूचना माने होता है ना किसी को सूचना दे दो, तो सुनो किसको सूचना देना है, तो जनता को सूचना देना है। जितना भी आपके क्षेत्र में मुखिया सरपंच कोई भी फंड सरकार के द्वारा आता है कि लीजिए जनता में खर्चा कीजिए, अगर वैसा नहीं करते हैं मुखिया जी, ठीक है तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है उन पर FIR कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि एक काम कीजिए जितना सरकार द्वारा पैसा आया है उसका लिस्ट निकाल के दे दीजिए, तो वो आपको छाया कॉपी देंगे माने जीरक्स देंगे, यानी आपके गांव घर में गांव में कोई भी अगर डेवलपमेंट नहीं है तो आप मुखिया जी पर कंप्लेन करके पूरा का पूरा जीरक्स निकलवा सकते हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, सरकार के नियम के अनुसार टोटल के टोटल डेटा जीरक्स करा के देना पड़ेगा कि 10 करोड़ रुपया आया है 5 करोड़ रुपया है हमने यहाँ यहाँ खर्च किया। एक साधारण कोई भी आदमी ये कर सकता है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम से। सबसे पहले राजस्थान में 1990 में वहां के भीम तहसील लोगों ने, ये मजदूर हैं, इन्होंने डायरेक्ट जाके प्रशासन से बोला कि हमको जो मजदूरी मिलता है सरकार के द्वारा इसमें कुछ घपला लग रहा है, हमको पूरा का पूरा जीरक्स निकलवाइए, तो जीरक्स निकाल करके देना पड़ा, तो सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुआ था। वैसे आप कमेंट में बताइए कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, ठीक है अब देखिए आवाज उठाई थी। यहां देखिएगा 1996 में सूचना का अधिकार को दिल्ली में लाया गया, दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 2002 में सूचना का स्वतंत्रता मिल गई, कोई भी सूचना कोई भी कंप्लेन जाके कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से 2004 में ये क्या हो गया, इस पर देखिए सूचना से संबंधित विधेयक पारित हो गया, भारतीय संसद भवन ने बोला कि ठीक है चलिए आप लोग अगर कह रहे हैं तो हम ये नियम पास कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम से अपना हक की बातें कर सकता है कि समाज में कितना पैसा आया और खर्च हुआ, ये अपने मुखिया सरपंच या किसी भी व्यक्ति से मांग सकते हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है ये चीज़ें होता है। फिर जून 2005 में राष्ट्रपति ने इसको सिग्नेचर कर दिया, तो यही है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप अपने अधिकारों को मांग सकते हैं कि कितना पैसा आया कितना पैसा समाज में खर्च होता है ये मांग सकते हैं। उसके बाद से पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे कौन कौन से देश में संघर्ष हुआ है, तो नेपाल में राजतंत्र था, वो तो जाके 2006 में लोकतंत्र हुआ है। वजह क्या था, वहां के राजा बोल रहे थे जी वहां के राजा पता है क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम लोग राजतंत्र से नहीं हटेंगे, लेकिन पता है यहाँ पे 1990 में वहां लोकतंत्र था, खूब बढ़िया प्रधानमंत्री वगैरह का पद बन गया, लेकिन एक आते थे ज्ञानेंद्र, बड़ी ज्ञान था, बोले कि नहीं हम प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, हम राजा हैं तो सिर्फ नेपाल में राजतंत्र ही रहेगा, और उन्होंने लोग क्या किया लोकतंत्र को अस्वीकार कर दिया, और 2005 में इन्होंने प्रधानमंत्री के पदे को हटा दिया, अब वोट को कैंसिल कर दिया। फिर उसके अगले साल की बात करें 2006 में इतना ना लोगों ने आंदोलन किया कि राजा को पहले हटाओ यहाँ लोकतंत्र रहेगा, हम जिसको चाहेंगे वो राजा बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। 24 अप्रैल 2006 को
सर्वदलीय सरकार बना, सभी के सहमति से एक सरकार बनी और संविधान भी बना और उसके बाद से प्रधानमंत्री गिरजा प्रसाद कोइराला बने। ये याद रखिएगा, गिरजा प्रसाद कोइराला वहां के क्या बने, प्रधानमंत्री बने गिरजा। ठीक है, यहाँ देखिए ये ज्ञानेंद्र राजा थे और गिरजा प्रसाद बाद में क्या बने, प्रधानमंत्री बने। वो लीबिया से ऑब्जेक्टिव बाबू 5 बार पूछा गया। वो लीबिया का संघर्ष किससे संबंधित है, तो पानी से संबंधित है। वो लीबिया में पानी की कीमत में वृद्धि कर दिया गया, प्रति महीना 1000 रुपया देना पड़ता था। कितना रुपया, 1000। भाई अब पीने के पानी में भी पैसा ज्यादा लगने लगे तब दिक्कत वाली बातें है कि नहीं। तो वहां पे आंदोलन बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, इतना लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया कि सरकार ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून, किसी भी इलाका में अगर आंदोलन चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि आंदोलन ज़्यादा भारी रूप में ना हो जाए, झगड़ा नहीं होगा, उसके लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है जिसे सैनिक कानून भी कहते हैं। तो ये बोलीविया में लगा था। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जब स्वतंत्र हो गया, 71 में स्वतंत्र हुआ है और हम ही लोग स्वतंत्र कराए हैं, इंदिरा गांधी स्वतंत्र कराई हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब स्वतंत्र हो गया 71 में, तो वहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने और इन्होंने बाद में ये ज़्यादा चालाकी कर दी। बाद में बोले ना कि हमारा जो पार्टी है ना सिर्फ यही पार्टी रहेगा, बाकी विरोधी पार्टी को हटाओ। अब तुम बताओ कि अगर विरोधी पार्टी नहीं रहेगा तो दिक्कत वाली बातें हैं कि नहीं। थोड़ा देर के लिए समझिए कि कितना भी कुछ भी कोई काम करेगा, विरोधी रहता है तो क्या करता है, कोई गलत काम सरकार करता है तो उसके खिलाफ बोलता है कि बताइए ये कैसी सरकार है, सबसे अच्छा सरकार तो मेरी है, ठीक है, हमको जिताइए, ये कीजिए। तो विरोधी सरकार उनके काम को याद दिलाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सभी सरकार को बंद करो। और शेख मुजीबुर रहमान की एक सरकार थी जिसका नाम था अवामी लीग, ये पार्टी है, सिर्फ यही एक अवामी लीग पार्टी रहेगी। और शेख मुजीबुर रहमान ने संसदीय शासन के जगह संसद वाला शासन को हटा करके अध्यक्षीय शासन प्रणाली लगा दी। फिर अगस्त 1975 में पूरे के पूरे देश के लोगों ने इनका विरोध कर दिया, बांग्लादेशी लोग, ठीक है, और सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से खूब अच्छा से स्वतंत्र हो गया बांग्लादेश और इन्हीं की बेटी शेख हसीना, ठीक है, अंत में बाद में प्रधानमंत्री बनी है। वैसे अच्छे थे लेकिन कभी कभी मानसिक संतुलन हिल जाता है। ठीक है, इन्हीं की बेटी शेख हसीना 2008 में प्रधानमंत्री बनी थी। अब बात करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो ये सब लोगों की ताकत है, लोग चाहें तो किसी को राजा बना देंगे, लोग चाहेंगे तो किसी को भिखारी बना देंगे। थोड़ा देर में करोड़पति, थोड़ा देर में रोडपति। ठीक है, पहले पढ़ाई करो फिर किसी के पति। तो फिर हम लोग बिना देर किए ये देखेंगे टॉपिक में कि भारत में कौन कौन सी पार्टी है, बीजेपी, आरजेडी, सब कांग्रेस, ये सब है ना, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके अध्यक्ष कौन है। बस ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये देखेंगे। उसके बाद से 10 मिनट के बाद आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि विश्व में सबसे पहले बाबू राजनीतिक पार्टी, ये जो पार्टी जितना भी होता है राजनीतिक पार्टी कहाँ पे बनाया गया। तो आपको बता दें कि जितना भी संसद भवन ये सब राजनीतिक पार्टी का जिक्र आता है तो सब अंग्रेजों द्वारा ये सब किया गया है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले विश्व में राजनीतिक दल की शुरुआत उत्पत्ति कहाँ पे हुई, ब्रिटेन में। दो गो अलग अलग पार्टी बनाया, एक पार्टी का नाम था विग और एक पार्टी का नाम था टोरी, विंग और टोरी, रट लीजिए विंग और टोरी, दो कहाँ की पार्टी है, ब्रिटेन का राजनीतिक दल है। ये कब बना, 1866 में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुआ था 1866 में, ये भी आप रट लीजिएगा, कहाँ हुआ था ये भी पूछेगा, तो ब्रिटेन में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था कमेंट कीजिए, 1866 ब्रिटेन में हुआ था। दो दलों में टूट गया, एक का नाम विंग एक का नाम टोरी। विंग व टोरी कहाँ की पार्टी है, ब्रिटेन की पार्टी है। अब बात करते हैं भारत का, तो भारत में आपको ऐसे ही याद होगा कि कांग्रेस भी है, भाजपा है, राजद है, आरजेडी, ठीक है, उसके बाद से आपका कौन हो जाएगा, नीतीश कुमार वाला बदलू चचा वाला पार्टी है। तो ये सब चीजें बुरा कोई नहीं मानेगा, रियलिटी बात बता रहे हैं। यहाँ देखिए भारत के राजनीतिक दल, ठीक है, देखते हैं इतना ना भारत में पार्टी बन गया है, पार्टी पर वाला इतना काम होता है। पहले देखो भाजपा जो है, भाजपा अभी मोदी जी है ना, अभी भाजपा की सरकार चल रही है तो मोदी जी हैं, ठीक है, लेकिन भाजपा की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ट्रिक कैसे, सब में देखिए पापा पापा है कि नहीं, पापा है लेकिन भाजपा। अब तुम पापा से क्या बोलोगे कि भाजपा वर लो, वर समझते हो, यहाँ पे देखिए व से व र से र, यानी वर लो, वर का मतलब होता है पति, वर मतलब नहीं था किसी के लिए पति ढूंढ रहे हैं, वर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो भाजपा से बोलेगा भाजपा वर लो, याद रखो भाजपा वर लो, ये पा वाला। भाजपा की शुरुआत 80, 4 साल बाद 84,
और इसी 84 को मैंने 8 को 9 लिख दिया और 4 को भी बना दिया ऐसे 9, तो 99 हो सकता है। तो ब के बाद से क्या आएगा, वस्पा के बाद रगपा, ठीक है, और रगपा के पास लोजपा 2000 में बना है, ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, भाजपा वरलो, भाजपा वरलो। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए सबसे पुराना पार्टी भारत का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी टूट गया है। यहाँ देखिए एक और कांग्रेस है, यहाँ आपको दिख रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दोनों में अंतर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आई भारतीय के जगह क्या हो गया है राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही टूटा है। लेकिन सबसे पहले समझ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, ठीक है, ये तो अपना चुनाव जीत ली, आ गई राजनीतिक पार्टी में, केंद्र में अपना सरकार बना ली, पंजा छाप, याद है ना, हाथ छाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। 2004 में संयुक्त प्रगति संगठन एक बनाया जिसे यूपीए कहते हैं, इसी के साथ 2004 में पार्टी बना के और फिर ये क्या करने लगी, सत्ता में शासन करने लगी, ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसका सहयोग बहुत लोग किए हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसी के टक्कर देने वाला है भाजपा, कमल छाप और पंजा छाप में देखना, अभी के मामला में राहुल गांधी और क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी, इसमें बड़ी टक्कर इन लोगों में चलता है। तो ये हो गया कांग्रेस, राहुल गांधी, हाथ छाप हो गए, और ये कमल का फूल जो होता है ना ऐसे करके ऐसे बनता है ना कमल का फूल, ठीक है, तो ये इनका कमल छाप भाजपा का। भाजपा का यहाँ पे स्थापना कब हुआ था, तो ये 1980 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था। इनका लक्ष्य था देखो क्या, प्राचीन संस्कृति जो पुरानी हमारी संस्कृति है, संस्कृति से प्रेरणा लेकर के आधुनिक भारत का निर्माण, और ये जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसके खिलाफ थे। अब कहिएगा सर ये विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर में एक नियम था कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता है, और दूसरा बात कि अगर कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ की लड़कियों से शादी कर रहा है तो वहाँ से लड़कियों को लाना पड़ेगा, वहाँ दूसरा कोई रह नहीं सकता है हमेशा के लिए। लेकिन वही अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है और जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वहाँ रह सकता है, कुछ ऐसे ही नियम था, पूरा आइडिया हमको ध्यान नहीं आ रहा है, धारा 370 पता है बस इतना। यहाँ देखो हमको उससे क्या करना है, सरकार ने नियम को बदल दिया। यहाँ देखिए बाबू, गठबंधन की सरकार एनडीए, समझिएगा भारतीय जनता दल एनडीए के साथ मिलकर के अपना सरकार चलाई, 1998 से लेकर 2004 तक की सरकार चली, और 4 के बाद फिर कौन आ गया समझिएगा, 98 से 4 तक ये चला, और 2004 के बाद फिर आ गया कांग्रेस, कौन आ गया कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस आया फिर एक बार आया था 1971 में, इससे पहले वाले में बताए थे, इंदिरा गांधी वाला में बताए थे आपको। यहां देखिए, अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भी दो है समझिएगा, एक वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है 1925 में इसकी स्थापना हुई, जिसे एस ए डांगे ने किया था, कम्युनिस्ट को डांगे ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसुआ और हथौड़ा, आप देखिएगा लाल झंडा पर इस तरह का फिगर रहेगा, इस तरह का एक हथौड़ा का सिंबल रहेगा लाल झंडा पर, ठीक है, माले वाला भी कह सकते हो। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे एस ए डांगे ने शुरू किया 1925 में, ये पता है किसका सहयोग कर रहा था, ये यूपीए का सहयोग कर रहा था, किसका सहयोग कर रहा था, यूपीए का सहयोग, बाहरे बाहर समर्थन कर रहा था। यहाँ देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है, लेकिन ये मार्क्सवादी विचार का है, कार्ल मार्क्स के विचार का है, 1964 में ये बना, ये 25 में बना, ये 64 में बना, इसके नेता ज्योतिबा बसु और गोपालन आदि वगैरह थे। ये जो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित था, और ये भी यूपीए का, दोनों का समर्थन, तो ये दोनों एक के जैसा नाम है ना, तो ये दोनों भाजपा का सपोर्ट, सॉरी कांग्रेस का सपोर्ट करता है, दोनों किसका सपोर्ट करता है, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करता है, समझिएगा ध्यान से। अब ये तो दोनों मेन है ना, यही दोनों मेन है, एक है पंजा छाप, पता नहीं हाथ कैसे कैसे बनता है, बना लेना यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यानी वजपा, यहाँ लिखे ना वजपा, वह वाला 84 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए श्री काशीराम ने, काशीराम इसके संस्थापक थे, और ये पता है बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़ी और अल्पसंख्यक, माने देश में जिसकी संख्या कम हो, जैसे कि मुस्लिम भी हो जाएंगे आपके, क्या बोलते हैं यहूदी वगैरह जो आते हैं वो भी हो जाएंगे, जो भी कम होंगे धर्म वाले वो हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इस समुदाय आता है, ये यूपी में सबसे ज़्यादा इसका मुख्य आधार किसका है, बहुजन समाज पार्टी का है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी, आप बताइए समाजवादी पार्टी, समाज कितना, आप बताइए समाज में अगर सबका दिल जीतना है तो आप एकदम मुलायम बन के रहिएगा कि नहीं, तो समाज में दिल जीतना है तो मुलायम सिंह यादव 1992 में, मुलायम यादव लिखा है लेकिन मुलायम सिंह यादव 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। अब बात करते हैं लालू यादव वाला, अभी है ललटेन छाप,
ठीक है, भारतीय सॉरी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसे राजद कहते हैं, इसकी स्थापना 97 में हुई है बिहार में, बिहार के लालू प्रसाद यादव ने इसको किया है। अब बात करते हैं नीतीश चाचा वाला, ठीक है, तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, याद रखिएगा जेडीयू 1999 में, इसके नीचे वाला भी 1999 में, जेडीयू जिसके संस्थापक शरद यादव है, कौन है शरद यादव, तो समझिएगा लालू को क्या हो गया था, सर्दी हो गया था, याद रहेगा लालू को सर्दी हो गया, तो लालू वाला 97, ठीक है, और शरद का 99, लालू यादव का 97, शरद का 99, ठीक है, शरद यादव यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से भारतीय कांग्रेस पार्टी जो उससे टूटा था, किससे, कांग्रेस से ही टूटा था भारतीय कांग्रेस पार्टी जिसे रांगपा कहते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1999 में, नेता शरद पवार थे, शरद यादव नहीं शरद पवार इसके थे, और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तारिक अनवर भी एक है। अब लोक जनता पार्टी जिसे लोजपा कहते हैं, ये तो अभी चलिए रहा है, बंगला छाप है लोजपा, ये 2000 में बना, और किसने बनाया, तो रामविलास पासवान, अभी जो चिराग पासवान है ना उन्हीं के पिताजी रामविलास पासवान ने लोजपा की स्थापना 2000 में की थी। उसके बाद से लास्ट में झामुमो है, ये क्या है देखो, झामुमो का मतलब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड को मुक्त कराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में ये शुरू किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए, तो आप तीन गो या चार गो याद कीजिए, पहला कांग्रेस की स्थापना मेन है, ठीक है, सबसे पहला है इसीलिए 1985, बीजेपी की स्थापना 1980 सॉरी ये 1885 और ये 1980, ये याद रहेगा। उसके बाद से ये बहुत का अंतर है, लगभग 95 साल का अंतर है, ठीक है, इसके संस्थापक ये हो जाएंगे, अध्यक्ष होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, और तीसरा ललटेन छाप जो चल रहा है ये वाला 97 में, और चौथा जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 1999 में शरद यादव, तो लालू को सर्दी हो गई, ये दो याद रखो ना, लालू यादव 97, शरद यादव 99, ठीक है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 99, तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, सर्दी तो होता ही रहता है, शरद यादव ठीक है 99 में, ये बात याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा डेटा आपको समझ में आया होगा, तो फिर हम लोग अगला लेसन देखेंगे बिना देर किए। यह लेसन 2 से 5 मिनट में खत्म, समझिएगा, मान लीजिए कि आप गांव में घूम रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो पता है गांव के लोग बुला के पूछते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कर्म कांड करने वाले लोग पूछते रहते हैं, बैठ जाएगा कहीं या पूछते रहेगा, तो ऐसे जब आप कोई बूढ़ऊ लोग पूछ दिए, पूछेंगे बाबू इधर आओ एक बात बताओ, मान लो कि अभी लोकतंत्र है, माने कि लोगों द्वारा शासन चल रहा है, पहले राजतंत्र था, तो पहले राजतंत्र था अभी लोकतंत्र, तो क्या फायदा है लोकतंत्र में, क्या फायदा है, पहले राजा महाराजा थे तो वही ठीक थे, अभी लोकतंत्र से क्या फायदा है, क्या उपलब्धियां हैं लोकतंत्र का, क्या क्या क्वालिटी है लोकतंत्र में, तो कहिएगा सुनिए काका, होता ये है कि पहले राजतंत्र जो होता था, ठीक है, उसमें आप राजा को हटा नहीं सकते, राजा कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, घटिया क्यों ना हो, आप हटा नहीं सकते, उसका बेटा कितना भी निकम्मा क्यों नहीं हो, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर हमारी सरकार हमको परेशान करेगी, हमारे पक्ष में बातें, जनता के पक्ष में बातें नहीं रखेगी, तो हम 5 साल के बाद उसको आराम से बदल सकते हैं, सीट से उतार सकते हैं, और अपने अनुसार एक नए शासन व्यवस्था, एक नए सरकार का निर्माण कर सकते हैं, ये फायदा है। वो कितना भी अगर सरकार लोकतंत्र में कोई भी सरकार परेशान करे तो उसे हट सकता है, उसके अंदर ये डर बना रहता है कि जनता हमारे लाइफ को तय कर देगी, ठीक है, यहां समझिएगा उसी के बारे में। लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां, यहां पे क्वेश्चन मस्ट वीवीआई 2 लिखे और इसका आंसर अभी याद हो जाएगा बस 5 मिनट में। यहां देखिए निम्नलिखित उपलब्धियां, उत्तरदायी एवं वैध सरकार, ये बहुत उत्तरदायी है और अच्छी सरकार है, कैसे, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संविधान के, जो भी जनता द्वारा हम लोग चुनते हैं वो संविधान के दायरे में रहते हैं और उसके बाद से जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति को चुनेंगे वो संविधान को पहले देखे कि नहीं संविधान में क्या क्या लिखा है, उसको नियम को तोड़ना नहीं है, और जनता के हितों की रक्षा, जनता के लिए उसको कार्य करना होता है, ठीक है, यही है वैध सरकार, एक अच्छी सरकार की पहचान, ठीक है। अगर जनता के हितों का यानी कार्य को अनदेखा करेगी, अनदेखा करने की स्थिति में अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो यही है उत्तरदायी एवं वैध सरकार, अच्छी सरकार इसी को कहते हैं कि यानी कि जनता के पक्ष में बातें करे, जनता के लिए ही वो रहे, जनता का सरकार है तो जनता के लिए रहे, अब्राहम लिंकन ने ही कहा था जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है, ये वाला बताए थे आपको। उसके बाद से इसकी एक और उपलब्धि है कि जनता का चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, अगर अच्छी सरकार चाहिए ना
तो सबसे ज्यादा लोगों को चुनाव में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। चुनाव नहीं कि वोट देने के लिए, भाई राय कर रही है किसको वोट देना है, उसके वजह से जनता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और ताकि सोच सके कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी सरकार बुरी है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ होना, जो भी पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत में जो जो भी इलेक्शन होता है तो पंचायत के मुखिया और सरपंच वाला चुनाव स्ट्रांग रहेगा ना, क्योंकि देखिए मुखिया और सरपंच ही पंचायत को संभालते हैं, पंचायत की समस्याओं को सुधारते हैं, पंचायत में क्या नहीं हो रहा है उसका विकास करते हैं, नल जल योजना जैसा चल रहा है ना, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ माने होता है मजबूत, यहाँ लिख विधि है मजबूत होना। उसके बाद से हमेशा चुनाव में स्वतंत्र होकर चुनाव दे, ये नहीं कि किसी के दबाव में चुनाव दे, यही है इक्वालिटी। पहले राजा को राजा के दबाव में रह के काम करना पड़ता था, लेकिन लोकतंत्र की यही उपलब्धि है कि लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वहाँ गुप्त मतदान होता है, किसी को दिखा के वोट नहीं दिया जाता है, एक रूम में जाओ बटन दबा के आ जाओ, गुप्त मतदान से हम लोग सरकार का चुनाव कर देते हैं और निष्पक्ष किसी के पक्ष में हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। बस इस लेसन में इतना ही है। अब क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह, ठीक है, उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है, तो भाई हम लोग निष्पक्ष चुनाव करते हैं बिना किसी के पक्ष में आराम से वोट। तो ये देखिए इसका आंसर आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, का का काम करेंगे तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा, क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार, सबसे पहले सबको शिक्षित करेंगे ताकि वो समझ सके कि हम एगो वोट देते हैं तो इसका क्या महत्व है, तब आराम से लोकतंत्र बहुत बढ़िया से चलेगा। सबको शिक्षित होना जरूरी है, यहाँ पे लिखा है ना शिक्षा का प्रसार के लोगों को जागरूक करें ताकि उन्हें अपने वोट का महत्व समझ में आए कि एक वोट आपको प्रधानमंत्री तक चुन के ला सकता है, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, यानी किसी के पक्ष में आपको चुनाव नहीं देना है कि भाई इनको वोट देके जीताओ, नहीं, आदमी पहचानने की कैसे आदमी है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली से ईमानदार सरकार को चुना जाए तब जाके अच्छा लोकतंत्र होगा, सफल लोकतंत्र होगा। उसके बाद समाज में भेदभाव को कम करें, भेदभाव का अंत होना चाहिए, तब जाके कहोगे नहीं ये लोकतंत्र बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद पंचायती राज द्वारा ग्रामीण समस्याओं का समाधान, और हाँ अच्छे लोकतंत्र ये भी है, अच्छा लोकतंत्र का चुनाव ऐसे भी कर सकते हैं कि पंचायत का जो शासन व्यवस्था है उसको बहुत अच्छा रखो, क्योंकि समस्या ग्रामीण लोगों को होता है तो वहाँ की पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, लेकिन एक दो बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, सेशन को ज़्यादा शेयर कीजिए और बिना देर किए आखिरी चैप्टर को हम लोग देखते हैं, यानी आखिरी अस्त्र है। और फिर बाबू आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इतने मेहनत के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप देख लेते हैं, आप सोचते हैं, आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिर्फ आपके एक कमेंट के लिए, ठीक है, दिल को सुकून मिलेगा और कुछ है। एक टीचर को उसके रिस्पेक्ट के लिए बस एक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग अगला लेसन देखते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियां तो हमने देख ली कि लोकतंत्र से क्या क्या फायदा है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक क्या क्या है, इसमें ये देखते हैं कि क्या क्या परेशानी आती है जिसे लोकतंत्र में चुनौती आ जाता है, ठीक है। सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान न देकर के सरकार उसको देखने लगती है, तो वो है आतंकवाद वगैरह जो चीज़ें होती है, इससे देश का विकास रुक जाता है, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्योंकि जैसे ही कोई आतंकवादी या कोई टेररिस्ट क्या करता है, कहीं बम वगैरह फेंकता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उसमें सरकार लग जाती है, जिससे देश का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ है, सबसे पहले तो लोकतंत्र का विस्तार, हर जगह लोकतंत्र फैलना चाहिए, लोगों को ये समझाना है कि भाई तुम लोकतंत्र में जी रहे हो, तुम अपने हक के लिए लड़ो। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियाँ, ये भी लोग सोचते हैं कि किस तरह लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत बनाएं। अगला सबसे बड़ा कारण, एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुई 5 नंबर में, कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे, आखिरकार लोकतंत्र को क्या नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में आप ये लिखिएगा, इसको बढ़ा चढ़ा के इसी को लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए आतंकवाद, यह बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद, लिख सकते हैं। आज भी पूरे विश्व इस आतंकवाद से प्रभावित है, पूरे विश्व में आप देखिएगा सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते रहता है, ठीक है। आतंक से जनता परेशान होते रहती है और जिससे जनता को जीना काफी कठिन हो जाता है। आतंकवाद उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण है पता है,
धार्मिक कट्टरता, देखना अधिकतर धर्म को लेकर आतंकवादी ज्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका में हमेशा अटैक होते रहता है धर्म को लेकर के, ठीक है, आदि, जो लोकतंत्र में हो रहे कार्यों को रुकावट उत्पन्न करता है, जो लोकतंत्र के कार्यों में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। उसके पास यहाँ देखिए, सरकार आतंकवाद से पीड़ित लोगों की ओर ध्यान करती है, ध्यान आकर्षित करती है, जिससे विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्या होता है, विकास रुक जाता है। देखिए अलगाववाद, देखिएगा यहाँ पे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती है अलगाववाद, लोग अलग होना चाहते हैं, अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पता है क्या चाहता है, कि हम अलग अपना देश बताए, अरे छोटा तू कहाँ जाएगा, तुम तो कोनो लायक हो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है जम्मू, यहाँ पे भाषा जाति नस्ल धर्म के आधार पर क्या होता है, देश अलग देश की मांग लोग करने लगते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हमको अलग कर दो, औकात तो है नहीं। यहाँ देखिए सिखों के लिए खालिस्तान ने अपना खालिस्तान के लिए मांग की है सिख लोग कि हमको एक खालिस्तान अलग देश दे दो। गुजरात भी अपने स्वराष्ट्र के लिए मांग कर रहा था, असम में वोडोलैंड के मांग के लिए सब जिक्र कर रहे थे, इसमें कुछ खास नहीं है। नस्लवाद समझिएगा, अपनी बातों को नक्सलवाद, देखिएगा नक्सलवाद में क्या होता है कि किसी किसी आतंकवादी को कोई पकड़ लेता है ना, तो अपने बातों को मनवाने के लिए किसी बहुत बड़े ट्रेन पर कब्जा कर लेता है, बहुत बड़े बस पर कब्जा कर लेता है कि हमारे आदमी को छोड़ दो, नहीं तो हम इनको मार देंगे, इनको एक एक करके मारेंगे, ऐसे फिल्म में भी देखे होंगे। तो नक्सलवाद जो होता है ना, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, ठीक है, गलत काम का सहारा लेते हैं अपनी बातों को सरकार से मनवाने के लिए। भ्रष्टाचार, ये तो सबसे घटिया बिहार में है, ठीक है, भ्रष्टाचार घुसखोरी, हम लोग के प्रशासन के यहाँ एक चीज दिमाग में लगा, हर कोई देखता है कि पुलिस वाला ट्रक वाले से हमेशा पैसा लेता है, लेकिन इसको कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी सरकार को है कि नहीं। सरकार अगर चाहती तो एक अलग से CID बैठा करके और आराम से इन लोगों को पकड़ लेती कि भाई पुलिस वाला पैसा ले रहा है, और देन एंड देयर, ठीक है, पूरा पेमेंट उनका रिकवर करवाती कि जितना दिन तुम पैसा तनख्वाह उठाए हो ना सब वापस करो, उसके बाद से 10-12 हजार करोड़ का मार देती, ठोक देती पूरा का पूरा पैसा, तब जाके इनको औकात अपनी समझ में आता है, एक को लेगा ना आना ही तो पूरी जिंदगी कारावास, ये दोनों में से और कोई ऑप्शन जरूर उनको देना चाहिए, सारा जमीन जब्त हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ हार्ड नियम रहेगा ना तो अंदर डर बनेगा, ठीक है, लेकिन ये तो है नहीं। यहाँ देखिए भ्रष्टाचार, सरकार की योजनाओं में सरकारी कर्मचारियों द्वारा घपला कर लिया जाता है, सरकार जो भी योजनाएं चलाती है सरकारी कर्मचारी पहुंचा नहीं पाते, घपला कर लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का भ्रष्ट होना, ठीक है, पुलिस व्यवस्था का भ्रष्ट होना, ये सबसे ज्यादा हर जगह है, ये पूरे लोग जानते हैं सिर्फ सरकार को छोड़ करके, ठीक है, पूरे लोग बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। काला धन, ठीक है, काला धन तो जानते ही, काला धन किसे कहते हैं, आप थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइएगा, आप जितना भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसमें सरकार का भी हक बनता है कि कुछ उसका टैक्स ले। आप कहिएगा सर हम सरकार को अपना पैसा टैक्स क्यों दें, आप बताइए जो सड़क व्यवस्था है, ठीक है, ये जो रेलवे व्यवस्था है, ये जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार के लिए, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, हम ही और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये सुधरेगा, नहीं तो रोड टूटेगा तो हम लोग सरकार को गाली देंगे, अरे सरकार पैसा पैदा थोड़े करती है, हम ही लोगों से ना पैसा लेती है, ये चीजें हो जाता है। यहाँ देखिए तो यही हो जाएगा, काला धन, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना, धन कमाना, जैसे रिश्वत वगैरह से लोग धन कमाते हैं, इसे भी काला धन कहते हैं। ये सरकार को अगर कोई कर टैक्स नहीं दे रहा है और पैसा दबा के रखते जा रहा है तो उसको भी काला धन कहते हैं। यहाँ देखिए परिवारवाद, बिहार का सबसे बड़ी समस्या परिवारवाद। क्या होता है इसमें कि आज हमारे बाबूजी अगर नेता है ना, तो अगर वो मर जाएंगे ना तो उनका लड़का ही नेता बनेगा, और ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो लड़का अगर निकम्मा निकला, बेकार निकला, तभी वो नेता जबरदस्ती बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा आज देख भी सकते हैं, लालू यादव के मरने के बाद, मर रहे अभी नहीं है, लालू यादव के बाद अभी दावेदारी कर रहे हैं उनके लड़के, ठीक है, कितनी योग्यताएं हैं ये सब कोई जानता है, हम किसी पक्षपात किसी का नहीं कर रहे, यहां परिवारवाद का अर्थ समझा रहे हैं। यहां समझिएगा, दलों में हमेशा ही एक परिवार के लोग सत्ता में रहते हैं, देखिए राजनीतिक दल में हमेशा एक ही परिवार के लोग और बार बार सत्ता में रहे तो इससे भी देश का विकास नहीं हो जाता है। मान लीजिए कि कोई आपके घर पे राजनीतिक में है, कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए हमारे पापा, ठीक है, और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कहीं के हो गए हमारे चाचा, तो मान लीजिए कि उसके बाद से विधायक हो गए मान लीजिए दूसरे वाले चाचा, तो अब विधायक कोई गलती कर दिए, छोटे वाले चाचा मान लीजिए गलती कर ले, तो मुख्यमंत्री डांट नहीं सकते, नहीं तो कहेगा का भाई डांट दलो, ऐसा होगा कि नहीं, तो ये चीजें होता है, तो अपने परिवार में लोग डांट भी नहीं सकते, तो इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती है जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवाद की चुनौती है। अब बात करते हैं महिलाओं को लोकतंत्र में कितना सीटें दिया गया है, किस तरह से आरक्षण है, यहां समझते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव में महिला मात्र 10% या इससे अधिक थी,
ठीक है, 2009 में यह हुआ था। उसके बाद से 16वीं में थोड़ा सा बढ़ गई, 10.23% हो गई, 1992 वाले लोकसभा में 3%। तो ये वाला एग्जाम में दोनों पूछा था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि ब्रिटेन में महिला 19.3% भागीदारी है राजनीतिक में, अमेरिका में 16.3, इटली में 16.1। यहाँ इटली और अमेरिका दोनों याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। आयरलैंड में 14.2 और फ्रांस में 13.9% लोग क्या करते हैं, यहाँ महिलाएं यहाँ भाग ली हैं, ठीक है, राजनीतिक में। पूरे 100% में से 19.3 ब्रिटेन में, 16.3 अमेरिका में, ऐसे करके है। अब बात करते हैं कि महान व्यक्ति के बारे में। इन्होंने अमेरिका का जब संविधान लिखा जा रहा था ना, उस वक्त संविधान निर्माता में ये भी थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, याद रखो हैमिल्टन थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा पता है, हमारे देश में कैसे कानून बनना चाहिए समझिएगा, कार्यपालिका को पता है कैसे होना चाहिए, एकदम ऊर्जावान। कार्यपालिका का मतलब होता है नियम जो लग जाता है ना उसको कार्य कराता है, पारित कर देता है, उसको एकदम ऊर्जा होना चाहिए उसमें। विधायिका जो नियम बनाता है उससे दूर का सोचना चाहिए कि आगे भी ये नियम बनाने से किसी को परेशानी नहीं ना होगा, तो विधायिका को दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूर का सोचे। और न्यायपालिका को सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए, न्यायपालिका को न्याय करने वाले को सत्य के प्रति सिर्फ सोचना चाहिए और संयम रखना चाहिए, थोड़ा सोच समझ करके तब कोई भी फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपका एक फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये हैमिल्टन बोले हैं, कौन बोले हैं, हैमिल्टन। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सुनिए, मेरा कोई राजनीतिक से बाबू ताल्लुक नहीं है, हम आपको बस आपका अधिकार बता रहे थे, ठीक है। आपके एग्जाम के बारे में ये लिख सकते हैं, और आप अपना अधिकार समझे कि आपको ऐसे व्यक्ति को वोट कभी नहीं करना है जो परिवारवाद से बिलोंग करता हो, उनके दादा परदादा ज्यादा राजनीति किए हो, उनको वोट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं। आप बताइए, अगर वो अच्छे होते तो क्या उस पार्टी में और कोई नेता बनने योग्य नहीं था, बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चुना गया। तो ये सब चीजें गलत हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बाबू, ये कौन कह रहा है, ये आपका पूरा का पूरा किताब कह रहा है, आपका संविधान कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा लेशन आपको पूरा किताब समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से शेयर कीजिए और लाइक के बटन को जरूर दबाइए। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव के वीडियो में मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, उसके बाद से और भी मैराथन वीडियो आते जाएगा और आपका तैयारी से पहले तैयारी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।